राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, उन्होंने मना किया था कि मेरा जन्मदिन मना नहीं जाए, बल्कि जो कोविड से पीड़ित हैं उनका सेवा का या राहत का कोई भी कार्यक्रम हो सकता है तो आप लोग कर सकते हैं। तो इस अवसर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मदन मोहन झा जी ने और हमारे प्रदेश कमेटी ने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया कि बच्चों को और महिलाओं को कुछ राहत का कार्यक्रम, राहत देने के लिए, कुछ सहायता देने के लिए कार्यक्रम आयोजन किया है। और कल एक कोविड पीड़ित से जितने लोग गुजर गए, इन सबकी आत्मा की शांति के लिए एक सर्वधर्म सभा रखा गया। इस क्रम में मुझे यहाँ आना पड़ा है, 2 महीना हो गया था, मैं पीड़ित था इसलिए नहीं आ पाया था, लेकिन आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे सभी नेताओं से मिल के आगे के कार्यक्रम वगैरह निर्णय करने के लिए मैं आया। पिछले दिनों जो लोजपा में हुआ, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आदमी लालच में कहीं भी चला जाए। ये संसद लोग जो गए हैं उनको, जो वोट बैंक को छोड़ के गए, उनका वर्तमान आवश्यकता कुछ होगा, सत्ता में बने रहने का, या कोई ज़रूरत होगा, वोट को वो लोग ज़रूरत नहीं समझे, क्योंकि वोट बैंक जो वो लोग लोजपा से चले गए उनका वोट बैंक खत्म हो गया। तो अगले बार उनमें से जितना मुश्किल हो जाए, वो गलत किया, अच्छा राजनीतिक निर्णय नहीं। नीतीश कुमार की क्या भूमिका रही? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के, वो किस तरह से कर रहे हैं, लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को किस तरह से समझ रहे हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, वो वही जाने, उस पर हम क्या कहें। जेडीयू का ऐसा दावा है, इसका मतलब मैं नीतीश कुमार जी मेरे मित्र हैं तो मैं संपर्क में हूँ तो जाएगा। अशोक चौधरी पार्टी का प्रेसिडेंट रहे हैं, कई लोगों से उनका मित्रता है, बातचीत होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है दावे के। हमारे MLA लोगों ने तो कितना बोल्ड स्टेप लिया है, आप देख चुके हैं उनका बयान वगैरह मेरे पास पहुंचा है। आशीष सिंह कहते हैं डूबती नाव हो चुकी है कांग्रेस, बंगाल में जहां सरकार होती थी वहां पे सीट नहीं रहना चाहते कांग्रेस में। अब कांग्रेस कितना मजबूत हुआ है इन दिनों, ये भी आप लोग देखे हैं, दूसरे पार्टी भी कितना चिंतित हैं कांग्रेस की मजबूती से। तो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस क्या है ये बिहार में तो पता चल गया है, और आगे कांग्रेस इससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा मजबूत होगा। विधायकों में जो कूट की बात हो रही है सर, तो कोई बेकार की बात है, कोई आधार नहीं है, कोई अर्थ नहीं है इसका, कोई भी गपशप कर देगा और इसको लेके आप लोग चलाएंगे तो क्या फायदा क्या है। इन गपशप का कोई आधार होना चाहिए, कोई ठोस एक व्यक्ति किसी दूसरे विधायक से या किसी से बात किया हो, है नहीं, कोई जब ठोस आधार नहीं है तो हवा में, हवा की बात को मुद्दा बनाए बिहार जैसे राज्यों में ठीक नहीं। एक लोजपा के चले गए कुछ लोग, उनका आधार को ख़त्म करके गए, कॉम्प्रोमाइज किए व्यक्तिगत, राजनीतिक कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो राजनीतिक कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये व्यक्तिगत कॉम्प्रोमाइज। चिराग पासवान नौजवान आदमी हैं और इनके पिताजी का आशीर्वाद उनके ऊपर था, वो जिस तरह से राजनीति को समझते हैं, अपना सूझ के साथ कोई भी निर्णय लेंगे, अगर अच्छा लेंगे तो उनका भविष्य अच्छा हो सकता है। नहीं, ये हम नहीं कह सकते उनके लिए क्या अच्छा है, वो समझेंगे। देखिए, कांग्रेस में काफ़ी लोग अभी ज्वाइन किए हैं और आने वाले हैं, और कांग्रेस विश्वास करता है दलित पिछड़े बैकवर्ड लोग जीतते हैं और सभी धर्म जाति के लोग जो आना चाहते हैं कांग्रेस में आ रहे हैं, जो भविष्य में आना चाहेंगे आएंगे, आना जाना एक प्रक्रिया है। तो इसमें हम पहले से क्यों कहें, जब तक हम चिराग जी के बारे में खुद नहीं बात चले,
या चिराग जी का ओपिनियन पता नहीं चले तो ऐसे कहने से कोई अर्थ नहीं है। अभी कमजोर हो गए चिराग, अभी के समय में सहयोग आप लोग मोदी को, मोदी के हनुमान खुद को कहते थे कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, ये डर है कि आप लोग लेना नहीं चाहते हैं, हनुमान को लेना नहीं चाहते हैं। नहीं ऐसा नहीं, चिराग एक इंस्ट्रूमेंट है, चिराग कैन बी ए बेटर इंस्ट्रूमेंट फॉर बिहार पीपल फॉर एनीवन, तो इसको हम आने नहीं आने का हम बात नहीं करना चाहते। आने वाले दिनों में कांग्रेस के सीनियर लीडर्स लोग जाएंगे दिल्ली और सीनियर लीडर हाईकमांड से बातचीत करेंगे, और अभी तक हमने जो किया है ये किसान यात्रा के बाद, बीच में कोविड बिहार में भी बहुत भयंकर हो गया, तो अभी शांत हुआ है तो अभी कार्रवाई आरंभ शुरू हो गया आज से, सोच लीजिए कि आने वाले दिनों में सबसे सलाह मशवरा करके। हम सब मिल के सीनियर लीडर लोगों से, मैं आजकल में मिल रहा हूँ सभी सीनियर लीडर, और सबसे मिलने के बाद अपने अपने जिले से आए हैं हम, सीनियर लीडर कुछ दिल्ली जाएंगे बात करेंगे और रणनीति बनाएंगे। नहीं नहीं, कोविड के समय में मास कार्यक्रम नहीं हो सकता, बट लीडर जाके कि मैं हाईकमांड नहीं हूँ, डायरेक्ट लोगों का मार्गदर्शन सीनियर लोगों का हाईकमांड के साथ होना चाहिए और एक निर्णय होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। सर एक सवाल और है सर, कांग्रेस कमेटी का गठन तो आपने यात्रा के साथ कहा था सर, कमेटी के गठन को लेकर नहीं तो आइए सीनियर लोग जो बात करेंगे नेता से उसके बाद चलें।